करेंगे जेबीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि जेबीटी का जो मामला है वो प्रदेश में करीब 4 साल होने वाले हैं, लेकिन जेबीटी की भर्ती जो है वो अभी तक सही मायने में नहीं हो पाई है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी का मामला लगा था। राजस्थान का ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई इस पर होनी थी, और इस पर जो है वो काफी बहस हुई एनसीटी की तरफ से। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो एनसीटीई और एमएचआरडी की से अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, और एनसीटी और एमएचआरडी जो है वो बीएड के फेवर में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। हिमाचल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी कि वहां पर जो है वो राजस्थान के इस केस पर क्या जो निर्णय है वो लिया जाता है, लेकिन आज काफी लंबी जो है वो इस पर बहस हुई और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है यहाँ पर एनसीटीई और एमएचआरडी को कि अभी जोधपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था जिसमें कि बीएड को जेबीटी में पात्र नहीं माना था, उस फैसले पर कहा है कि इस पर स्टडी करनी होगी और इस पूरे मैटर को जो है वो समय देना होगा कि आखिर जो है वो जोधपुर हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो है अब ये कहा गया है कि मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो अंतिम फैसला 12 अक्टूबर को अब जेबीटी भर्ती पर होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जब आज हमारी बात प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर से हुई तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जेबीटी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, कमीशन पास कर लिया है और उनका रिजल्ट जो है वो कुछ दिन बाद घोषित हो जाएगा, बीएड भी उसमें शामिल है, तो क्या उनकी नियुक्ति जो है वो आगे कर दी जाएगी या क्या जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो इस पर जो है वो शिक्षा निदेशक का कहना था कि इसमें जो है हम हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो है वो यहाँ पर आप बीएड को भी कंसीडर करें, लेकिन इसी के साथ अब शिक्षा विभाग जो नियुक्तियां यहाँ पर जेबीटी को देगा, यानी कि बीएड वालों को जो नियुक्तियां जेबीटी में मिलेगी उसके उसमें उनके नियुक्ति पत्र पर ये लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा उस फैसले के आधार पर जो है वो बीएड को आगे भी कंटिन्यू उनकी सेवाओं को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर शिक्षा विभाग की ओर से बीएड को भी जेबीटी में मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट स्कूल में दे दी जाती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि जेबीटी भर्ती में बीएड को पात्र नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में यहां पर जो है वो बीएड जो जेबीटी स्कूलों में लगाए गए होंगे हिमाचल प्रदेश के उनके नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा। तो यहां पर जो है वो एक चिंता वाली बात जो है वो बीएड के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जरूर है, क्योंकि उनकी उनकी जो नियुक्ति है उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त लगाई जाएगी कि यहां पर जो है अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है वो बीएड को जेबीटी में पात्र नहीं माना तो ऐसे में बीएड की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है वो यहां पर जेबीटी भर्ती को लेकर थी, और इसी के साथ जेबीटी का जो रिजल्ट है वो इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कमीशन की ओर से भी एक यहां पर जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी गई थी, और ये जानकारी कमीशन ने मांगी थी कि जितने भी बीएड के मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके टैट को किस तरह से जो है वो यहां पर मान्य माना जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टैट पास किया है लेकिन उन्होंने 1-5 यानी कि पहले से पांचवी वाले बच्चों को पढ़ाने वाला जो एक टैट परीक्षा होती है उसे पास नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 8th तक जो है वो टैट पास किया है। तो ऐसे में 1-5 वाला टैट पात्र माना जाए या फिर क्या किया जाए इस पर क्लेरिफिकेशन जो है वो शिक्षा विभाग से मांगी थी, और शिक्षा विभाग का ये कहना है कि 3-4 दिन में इस क्लेरिफिकेशन को कमीशन को भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर जेबीटी का निकाल दिया जाएगा। तो एक ये जेबीटी को लेकर आज अपडेट थी जिससे हमने आपको अवगत करवाया कि अब जेबीटी भर्ती को लेकर जो है वो बीएड
को झटका लग सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जेबीटी में बीएड को पात्र नहीं माना जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी उन ऑर्डर्स को माना जाएगा और बीएड की जितनी भी नियुक्तियां होगी उन्हें निरस्त किया जाएगा। तो एक ये अपडेट थी। और इसी के साथ अब बात करते हैं एनटीटी को लेकर। तो एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि एनटीटी के जितने भी हमारे आके होने वाली भर्तियां हैं, पिछले कल भी हमने कहा था कि तीन ऑप्शन सरकार को दिए गए हैं, उसमें आउटसोर्स है, अनुबंध है और रेगुलर है। तो यहां पर अनुबंध और रेगुलर के तहत अगर एनटीटी की भर्तियां की जाती है तो उसमें जेबीटी का स्केल देने की तैयारी सरकार कर रही है। तो यहां पर अच्छे संकेत एनटीटी भर्ती के लिए है कि यहां पर जो है वो सरकार एनटीटी के लिए जेबीटी का स्केल देगी अगर यहां पर इन भर्तियों को अनुबंध या फिर रेगुलर के आधार पर किया जाता है। आरएनपी रूल्स तैयार होंगे और उसके बाद जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू यहां पर सरकार का ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के 2 साल का डिप्लोमा करने वाले बहुत कम अभ्यर्थी है, यानी कि 2500 के करीब जो है वो ये कहा जा रहा है, सरकार के ये आंकड़े हैं कि इन 2500 लोगों ने 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा किया है। और इसके अलावा यहां पर जो है वो 2800 ऐसे 5000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया है। तो ये असमंजस जैसी स्थिति सरकार के लिए है कि आखिर 1 साल और 2 साल दोनों को इन भर्तियों में पात्र माना जाए, दोनों को राहत दी जाए, तो इसके लिए कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार यहां पर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एनटीटी भर्ती को लेकर सरकार के पास 3 विकल्प है। इसको लेकर काफी गहन चर्चा इन दिनों अधिकारियों के बीच में चल रही है और इस पर भी कुछ ही दिनों में जो है वो फैसला हो जाएगा। इसमें कि आउटसोर्स पर अगर भर्तियां होती है तो 10,000 का वेतन होगा, बहुत कम जो है वो इसमें मानदेय होगा। लेकिन अगर रेगुलर और अनुबंध के आधार पर इन भर्तियों को किया जाता है तो इनका वेतन जो है वो काफी जेपीटी टीचर के और रेगुलर टीचर के बराबर होगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे एनटीटी के हमारे साथ दर्शक जुड़े होते हैं जो कि इंटरेस्टेड है कि प्री प्राइमरी की भर्ती, प्री प्राइमरी टीचर की भर्तियां जो है वो कब से शुरू हुए। तो आप अपना सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि आपके सुझाव को हम सरकार तक इसमें पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं टीचर ट्रांसफर को लेकर। तो टीचर ट्रांसफर